और हंदवाड़ा के लोगों को एक नायाब ऐसा तोहफा उन्होंने यहाँ पर दिया है। ये एक बहुत ही शानदार जगह है, देखकर दिल खुश हो गया और मुझे यकीन है कि हंदवाड़ा के लोग इसको बहुत पसंद करेंगे और भरपूर उनका तावन जो है इस वेंचर को मिलेगा। मैं दानिश साहब जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स की खास इज्जत करता हूँ कि पढ़े लिखे नौजवान जो है इनकी तरह वो अक्सर जो है कि सरकारी नौकरी मिल जाए या कहीं पे मैं छोटी मोटी मुलाजमत करूँ इसके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन इन्होंने एक मिसाल हम सबके सामने कायम की है कि आदमी को हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज के पीछे चलना चाहिए और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वो हासिल नहीं कर सकता है। मुझे यकीन है और उन्हीं के गाइडेंस से, उन्हीं की हौसला अफजाई से जो है ये आज की ये कामयाबी ये हासिल कर पाए हैं। मैं उनको यही हिदायत दूंगा कि अपना काम ईमान और इतबार से करें, पूरी ईमानदारी से करें, लगन से करें, क्योंकि ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है जो ईमानदारी से काम करता है। आप लगन से काम करते रहिए, ऊपर वाला आपको और तरक्की दे और आबाद करे। शुक्रिया। जी मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक से कि जो मैंने स्टार्टअप किया है, ये मैंने इस ये सोच के किया है कि अभी हनवारा में हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन जो हमारे पास क्वालिटी है, जो हमारे पास मेन्यू में अवेलेबल चीज़ें हैं वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे फ्राइड चिकन नहीं था अभी तक, मैंने सोचा फ्राइड चिकन को यहाँ तक लाए, हनवारा के लोगों लोगों तक लाए ये फ्राइड चिकन। और तो मैंने ये जो अलबेक है ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी चल रहा है, लेकिन हमने हनवारा में नहीं था। हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर से कोपारा में है, तो मैंने सोचा कि यहाँ के लोग क्यों यहाँ से कोपारा जाएंगे, क्यों ना हम यहीं पे इसको एस्टेब्लिश करें, इस यूनिट को यहाँ पे एस्टेब्लिश करें। तो वो सोच कर मैंने ये बिजनेस यहाँ पे इसे फ्रेंचाइज ले ली यहाँ से अलबेक वालों से। तो और लोगों को बोलना चाहता हूँ आइए यहाँ पे और अलबेक का टेस्ट इंजॉय कीजिए। यहाँ पे जो इसमें खास है हमारे मेनू में वो फ्राइड है चिकन, जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे चाइनीज़ मिल रहा है, बाकी जो वैरायटीज़ यहाँ पे इंडियन मिल रहा है, लेकिन ये क्रिस्पी यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे हम क्रिस्पी चिकन लाएं हनवारा के लोगों के लिए, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उस वजह से मैंने यहाँ ये सोच के अलबेक से फ्रेंचाइज लेके यहाँ पे एक यूनिट खड़ा किया। मैं ये सोच रहा था लास्ट 2 ईयर से कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि मैंने हनवारा में मार्केटिंग की, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन ये जो चीज़ है यहाँ पे नहीं मिली मुझे कहीं पे भी किसी भी रेस्टोरेंट में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस इंट्रोड्यूस कराए हनवारा के लोगों के लिए, को लोगों को इंट्रोड्यूस कराए। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि हनवारा का मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 सालों से, अगर हम 2-3 साल बाद पहले की बात करें, तो हनवारा मार्केट ऐसा इस स्टेज पे नहीं था जो कि आज की स्टेज पे है। क्योंकि यहाँ से लोग प्रेफर करते थे सोपोर जाना, यहाँ कोपारा जाना, यहाँ बारामूला जाना। अब मार्केट इतना ग्रो हुआ कि ऑलमोस्ट 90% जो हनवारा के आवाम है वो यहीं पे अब जो कुछ भी लेना होता है वो यहीं पे लेते हैं। नहीं, अभी हमने ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट नहीं किया है, और हम डिलीवरी करेंगे 20 फेब से, लेकिन हम खुद ही डिलीवर करेंगे, हम किसी ऐप के थ्रू नहीं करेंगे। जी मैंने एमए किया हिस्ट्री में कश्मीर यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन फिर मुझे मेरे जहन में आ गया कि क्यों ना कुछ नया किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ किया जाए। तो फिर मैंने जो फॉर्म भरा था उसका एग्ज़ाम भी नहीं दिया, तो फिर मैं इसी चीज़ के पीछे लग गया। मुझे जब मैंने देखा कि खास करके जो आज की आवाम है वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब पे लगे, जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे लगे रहते हैं, पीछे लग रहे हैं, मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए, क्यों ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। एक तो मैं खुद रोज़गार हासिल करूं और दूसरों को भी दे दूं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली मेंबर्स की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। जी मैं सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा है, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए, यहाँ का जो हमारा
वो इंजॉय किया हमारा हमारी सर्विस इंजॉय की, और ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे और हमें बहुत सारा प्यार प्यार दें।